हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम दशमलव भिन्नों का म स व ल स कैसे ज्ञात करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें नियम क्या है, आपको जो भी भिन्न हमें दी गई है तो उसमें दशमलव अंक बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो शून्य लगाकर हम दशमलव अंक बराबर कर लेते हैं, और बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे जो भी संख्या हमें प्राप्त हुआ है उनका म स व ल स ज्ञात करके उतने स्थानों पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं जितने दशमलव स्थान प्रत्येक संख्या में होते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ तीन दशमलव भिन्न दिए हुए हैं आपके, 0.27, 1.8 तथा 3.6, और हमें म स व ल स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें दशमलव अंक बराबर करने हैं। तो 0.27 में देखिएगा तो 2 दशमलव अंक है इसमें, 1.8 में एक ही दशमलव अंक है, वहीं 3.6 में 1 दशमलव अंक है। तो जब बराबर करेंगे तो हमें क्या संख्या मिलेगी, देखिए दशमलव अंक बराबर करने के बाद बराबर करके क्या मिल जाएगी, देखिए 0.27 तो ये तो ऐसे ही रह जाएगी, वहीं 1.8 को 1.80 लिख सकते हैं। देखिए, दशमलव के बाद आप शून्य अगर डालिएगा तो कोई भी मान में आपका अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो आप जितने शून्य डाल सकते हैं वो डाल, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 3.6 को हम 3.60 लिख सकते हैं। अब देखिए, बिना दशमलव अंक का ध्यान रखे क्या क्या संख्या हो जाएगी, बिना दशमलव के संख्या, देखिए पहला तो आपका 27 हो जाएगी, दूसरा 180 और तीसरा 360। तो इन तीनों का हम ल स व म स ज्ञात कर लेंगे पहले। तो देखिए, इनका म स जो हो जाएगा, म स 27, 180 और 360 का 9 हो जाएगा, वहीं ल स आपका ल स 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अभीष्ट, क्योंकि हमें तो चाहिए 0.27, 1.8 तथा 3.6 का। ठीक है, तो अभीष्ट म स, तो क्या करने हैं, सभी संख्या में देखिए 2 दशमलव अंक थे तो हम इसमें भी 2 दशमलव अंक कर लेंगे। तो 0.009 ये हमारा हो गया म स, वहीं ल स हमारा क्या हो जाएगा, ल स तो इसमें भी 2 दशमलव अंक करने हैं तो 10.80 हो जाएगा और 10.8, तो यही हमारा म स व ल स हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ भी आपके 3 दशमलव संख्या दी हुई है, 0.63, 1.05 तथा 2.1। तो बिना, जब हम दशमलव अंक बराबर कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव अंक बराबर करके सभी में 2 दशमलव अंक होने चाहिए, तो 0.63, वही 1.05 और 2.1 को लिख लेंगे, 2.10। तो बिना दशमलव के अब हम इन संख्याओं को लिख लेंगे, बिना दशमलव के संख्या, तो देखिए बिना दशमलव के 63 हो जाएगी, 105 और 210। तो इनका म स व ल स हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। म स देखिए हो जाएगा आपका 63, 105 और 210 का 21 हो जाएगा। ठीक है,
और वहीं ल से अगर हम याद करें तो ल से हमारी हो जाएगी 63, 105 और 210 के 630। तो अभीष्ट मस, ठीक है, तो दशमलव अंक बराबर होने चाहिए। जितने आपके संख्या में दशमलव अंक है उतने आपके मस व लस में भी होने चाहिए, तो 21, ठीक है, और इसमें 2 दशमलव अंक हमें डालने हैं तो क्या हो जाएगा, 0.21, और वहीं आपका लस हो जाएगा लस 630, तो 6.30 और 6.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे दशमलव भिन्नों का मस व लस ज्ञात करते हैं। ओके, थैंक यू।